नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मिंत्रा ऐप पर कोई भी सामान ईएमआई पर कैसे ऑर्डर करते हैं यानी कि खरीदते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिंत्रा ऐप पर कोई भी सामान या प्रोडक्ट को ईएमआई पर ऑर्डर करने के लिए, खरीदने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में मिंत्रा ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको बहुत सारा कैटेगरी दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको जिस भी कैटेगरी से जो भी सामान ऑर्डर करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, या आपको कोई भी अपने मनपसंद का सामान ऑर्डर करना है तो इसके लिए ऊपर में एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी सामान यहाँ पर आपको ऑर्डर करना है उसका आप वो यहाँ पर नेम सर्च कर लेना है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हमको पैंट लेना है, तो यहाँ पर हम पैंट सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा पैंट आ गया है। तो यहाँ पर हमको जो भी पैंट ऑर्डर करना है या खरीदना है, सिंपल हम उस पैंट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको पैंट का साइज सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ से आपको अपने पैंट का साइज सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको नीचे में जानकारी दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको उस सारा चीज़ देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऐड टू बैग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह जो सामान है आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। अब आपको गो टू बैग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सारा चीज़ चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपका एड्रेस दिखेगा। अगर आप अपना डिलीवरी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीवरी डेट दिखेगा, यहाँ पर आप कब तक ये सामान आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा वो बताएगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में एक पे वी आई ए का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट है, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर हम चेंज पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर हमको सामान को ई एम आई पे लेना है, तो चलिए ई एम आई पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में क्रेडिट कार्ड, HDFC डेबिट कार्ड और EMI का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड से कोई भी सामान या प्रोडक्ट को EMI पर ऑर्डर करना है तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, या कोई भी और भी चीज़ से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमको क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड EMI का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से RBL बैंक सेलेक्ट है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें और कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर कितने दिन के लिए आपको EMI पे चाहिए वह सामान आपको यहाँ से आपको कितने दिन के लिए EMI पे लेना चाहते हैं, कितना आप पेमेंट करके यहाँ पर हर महीने में पेमेंट दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 3 महीना के लिए लेना चाहते हैं, 499 रुपया पेमेंट करना है पर मंथ, तो चलिए यहाँ पर पे पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्ड नंबर दिया गया है, यहाँ पर एक्सपायरी, यहाँ पर डेट दिया गया है, मंथ दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर आपको CCV नंबर डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीच में इसको टिक कर देना है और उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सामान है या प्रोडक्ट है वह EMI पर ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिंत्रा पे कोई भी सामान या प्रोडक्ट को EMI पे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।